नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं ललन टॉप। मेरे साथी अमितेश के साथ आज मैं मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पे। सिंघू बॉर्डर में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, आप सब जानते हैं। मेरे पीछे नारेबाजी हो रही है, बोला जा रहा है कि भाई किसान की बिल वापस हों, और दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है अभी दिल्ली तेरे काम निकम्मे हैं, फिर कहते हैं बागी जमे। इसी तरीके के नारे लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, किसान हैं। इनसे बात करते हैं कि मसला क्या है। और अभी 4 या 5 दिन 26 तारीख से ये लोग यहाँ पे 27 तारीख से जमे हुए हैं, 2 तारीख है, और अब तक क्या कैसे इन लोगों ने यहाँ पे इतने दिन तक माहौल को बनाए रखा है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, उनसे पूछते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? है क्या नाम आपका? बोल लिया मैं। हाँ जी, हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम अवतार सिंह, प्रधान कीर्ति किसान यूनियन। अच्छा, कीर्ति किसान यूनियन से आप आए हैं। हाँ जी। कब पहुंचे थे आप यहाँ पे? असि जी ये इतने 26 तारीख के आए हुए हैं, जो शंभू बॉर्डर से नाके तोड़ कर जहाँ आए हैं। असी उन्ना चर नहीं जावे जितनी देर जो खेती कानून रद्द नहीं किए जाते। क्यों? अच्छा, कल बातचीत हुई थी मंत्रियों के किसान आगुओं के साथ, तो वहाँ पे जो बातें निकल के आई आप तक पहुँच गई भी? वहाँ से क्या निकला, क्या क्या पता चला आपको? बुद्धू बनाया जा रहा है जी। जो बात हुई है जी किसाना मजदूरों की, केंद्र से वो बेसिटा रही है। केंद्र पंजाब के किसानों से इंडिया के भारत के किसानों का पाड़ा पाना चाहता। वो कहता सिर्फ पंजाब के किसानों से बात करनी है, जबकि हमारे जो लीडर है वो कहते नहीं, हम भारत के सभी किसानों के साथ हैं, सभी करेंगे बात। कमेटी छोटी नहीं बड़ी होनी चाहिए। वो कहते 5 मेंबर दो, हम जो हमारे लीडर वो कहते नहीं 5 नहीं, जितने भी किसान जत्थेबंदियां भारत की हैं सभी के लीडर इसमें शामिल होंगे। इस करके हमने केंद्र की जो पेशकश ठुकरा दी। तो अब आगे क्या, अभी पेशकश ठुकरा दी तो आपको क्या लगता है अभी प्रेशर से ही बात बनेगी, बातचीत का कोई लगता नहीं है? ऐसे नहीं भी हम गलबात से को जवाब देते हैं, जो कमेटी कहते हैं पंजाब के किसानों और भारत के किसानों के बीच केंद्र पाड़ा पाना चाहती है, इस करके हम वो नहीं चाहते। कमेटी बड़ी बनेगी तो हम बात करेंगे, नहीं नहीं होएगी। हाँ केंद्र तो ये बात है भी, अगर कमेटी बड़ी होती है तब हम बात करेंगे आगे, नहीं तो जमे रहेंगे यहीं पे। हाँ यही नहीं, पर जहाँ पर जमे रहेंगे। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। सभी किसान और मजदूर जो 6-6 महीने का राशन लेकर यहाँ पहुँचे हैं ते तभी जाएंगे जब है कानून वापस हो जाएंगे, उतनी देर नहीं जाएंगे। अच्छा, अब लोग पीछे से आपके अभी फसल वसल भी 6 महीने की आप बोल रहे हैं, तो 6 महीने में तो फसल भी तैयार हो जाएगी, कैसे देखेंगे उसे? देखो जो पिछले कार्य हैं, पिछले हमारे काम हैं जो खेती के हैं, वो हमारे जो पिछले आदमी हैं हमारी औरतें हैं वो सभी सामते हैं। मोदी ने खोली जी साढ़े पिछले कार्य भी की करांगे, साड़ी रोटी जी चूल्हे की मोदी खो रहा है, साढ़े कार्जा का सानू कोई नहीं, साड़ी जे ना बीजांगे फसल इस बार कोई बात नहीं। पर मोदी के नक् च दम लिया के तो कानून रद्द कराने, सारे इंडिया के किसानों हक दवाने, क्योंकि सारे इंडिया के किसान हरियाणा के बिहार के मध्य प्रदेश के हिमाचल सारे किसान जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, सबको MSP लागू करनी चाहिए। मोदी को इन्ना निकम्मा इन्ना निखिद पहले प्रधानमंत्री नहीं बना, ये पहली बार इतना माड़ा प्रधानमंत्री बना जो ये साबित हो रहा है। सब प्रधानमंत्री इससे अच्छे थे पर इतने किसानों से जो है इतना धक्का किया ना, हमें परेशान किया, इतनों देनी पड़ेगी। पहले क्या हुआ सबसे माड़ी बात हमसे, इन्होंने किसानों को बहुत माड़ा कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा अच्छा अगर MSP दे देते हैं तो फिर मामला सेटल है सारा, फिर चले जाएंगे। उसने जेड़ो MSP इसमें MSP के तो बात है, हमारी MSP जो दी है वो मुझे खो रहे हैं, वो रद्द कर रहे हैं, ये प्राइवेट मंडियाँ बना रहे हैं, वो हमारे जो हमारे मंडी बोर्ड को भंग कर कर जो हमारे पहले तो चावल हमारे जो गेहूं है चावल है पहले तो 2000 खरीद लेंगे फिर 500-600 रह जाएंगे, क्योंकि वो कारपोरेट घराने हैं ना जो अमानी अडानी, उनको बेचकर देश मोदी बाहर जाने वाला है। इनका कहना ये है कि भाई अभी अगर MSP देते हैं तब मामला बन सकता है, अदरवाइज ये होगा कि अभी 2000 रुपये हमें दे देंगे मंडी बोर्ड पे जो पैसा मिलता है मंडी में आपको उससे ज़्यादा पैसा दे देंगे, लेकिन बाद में कम दाम पे वो खरीदा करेंगे ना, ये डर है आपका? सर अपना नाम आते हैं सर आपके पास भी आते हैं ना?
अपना सर नाम बताइएगा, किस संस्था से आप आए हैं वो बताइएगा, फिर अगली बात। मैं साधु सिंह अच्छरवाल, जिला सेक्रेटरी किरती किसान यूनियन इकाई लुधियाना पंजाब से। अच्छा सर, सर ये बताइए, यहाँ पे खड़े थे साहब, कहते कि अगर MSP दे दिया तो मामला सेट है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, चार मांगे बड़ी हैं आपकी, एक तो कानून वापस हो सारे के सारे, फिर बिजली का जो ऑर्डिनेंस है वो वापस हो, है ना, तो MSP तक अगर आता है तो फिर धरना छोड़ के चले जाएंगे, MSP दे दिया आपको तो? नहीं नहीं, ये MSP की जो केंद्र सरकार बात कर रही है ये सिर्फ किसानों को गुमराह करने की बात है, क्योंकि MSP जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगा MSP कहीं नहीं मिलेगी। जैसे अभी हमारे पंजाब में पहले मक्की के ऊपर MSP इनका रेट तय किया हुआ 1850 रुपये प्रति क्विंटल, अभी मक्की उधर 800, 700, 900 बिकी है। अभी बाकी जो फसलें हैं, मूंगी है और है, नरमा है, कपाह है, जो भी 29 फसलें हैं जिन पर MSP तय होती है, लेकिन कोई भी सरकारी खरीद ना होने से उस भाव पर नहीं बिकती। व्यापारी अपनी मर्जी मन मर्जी से वो किसानों से लूटते हैं। आप पहले देख लो, जहाँ इधर UP में और सूबों में धान के ऊपर सरकारी खरीद नहीं है, ये जहाँ का जो धान है वो पंजाब में जाकर सरकारी मंडी में बिकता है, इधर से व्यापारी उनसे 800-900 को लूट के ले जाते हैं और उधर जाके। अच्छा, वहाँ पे बिकता, आप आपत्ति है इस बात से कि अगर वहाँ पे बिक रहा है तो? हाँ जी, हमारे हमने टारे फड़े हैं, खुद उधर रोके है। अच्छा, जहाँ इस धान से गए हुए। और बाकी जो बात पहले साथी बोल के गया कि पहले जो प्रधानमंत्री अस्से थे, वो हम उस बात से सहमत नहीं, क्योंकि जो नीतियाँ इनकी जन्मदाता कांग्रेस है, क्योंकि 1990 में डॉक्टर मनमोहन सिंह गृह मंत्री था और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री था, वित्त मंत्री थे उस समय, वित्त मंत्री थे, उन्होंने ये जो गाइड समझौता किया वो नीतियां लाई WTO के तहत, निजीकरण, आधारीकरण, वैश्वीकरण, आज उन्हीं की नीतियों से लागू हो रहे हैं। मोदी ने बोला है मैं कोई दूसरा काम नहीं कर रहा, जो मनमोहन सिंह करते थे मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि ये घट गिनती में थे, हम बहु गिनती में, इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे करते थे। इसलिए सभी सरकारें जितने भी आज तक सेंटर में बनी हैं, उसने किसानों मजदूरों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ लूटने के कूटने से। ठीक है सर, आप क्या नाम है, आपके कहाँ से आए हैं? मैं मियाँ सिंह बिछमड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा, और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन का डिस्ट्रिक्ट हिसार का प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, आप आए हैं हरियाणा से, ये पंजाब के किसान थे, अब हरियाणा के किसान हमारे साथ हैं। सर पहले तो शुरुआत पंजाब से, पीछे से बॉर्डर टूटने से हुई, फिर हरियाणा के किसान भी साथ में आए। सरकार कह रही, कहती है ये हरियाणा पंजाब वाले, और जो आम सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोगों के बीच में चल रहा है, ये बोल रहे हैं कि भाई हरियाणा और पंजाब के किसानों को समस्या, बाकी किसी को कोई समस्या नहीं है पूरे देश में, क्या आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा है जी, सरकार तो पता नहीं क्या कह रही है। मैं पहले तो पंजाब के बहादुर किसानों को बधाई देना चाहता हूँ, और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी पंजाब और वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। करतार सिंह सराभा, गदर पार्टी के नायक, अपने क्या नाम उद्धम सिंह, नेताजी ये क्या नाम शहीद भगत सिंह, और अनेक मतलब है नहीं साथी, तो एक तो ये सरकार है नहीं, हाँ जब संयुक्त पंजाब था, तो इस करके पूरे देश को दिशा पंजाब ने दी है, जितनी बार भी आंदोलन हुए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे देश की आज़ादी से पहले की बात है चाहे बाद की बात है। तो दूसरा, अब सरकार तो पता नहीं क्या क्या कहती है, सरकार कहती है ये पंजाब वाले खालिस्तानी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब भी किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, नौजवान है, तब भी कोई अपनी मांगों के लिए आंदोलन लड़ता है, तो इनको पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, दूसरी यूनिवर्सिटियों में जब आंदोलन हुए, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग किया गया, देशद्रोही का मतलब है नहीं, उन पर मुकदमे दर्ज हुए। इसी तरह अब पंजाब की बात है, कदे हिंदू के नाम पर, कदे मुसलमान के नाम पर, कदे सिख के नाम पर, कदे मंदिर मस्जिद के नाम पर, यह हमारी मतलब मेहनत का जनता की, किसानों की एकता को तोड़ने की साजिश है। परंतु मैं बधाई देना चाहता हूँ, जितने भी ये जन किसान मजदूरों के संगठन है, वो संयुक्त रूप में आज इकट्ठे हुए, और लड़ाई मतलब है नहीं, जो आप जो बात कह रहे थे भाई क्या नाम MSP हमारी मुख्य मांग नहीं है, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है नहीं, वो हमारी मुख्य मांग है। डॉक्टर स्वामी ये वाला जो धरना, उसमें तो आप ये बोल रहे ना जो कृषि कानून आए हैं, तीन कृषि कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसमें यह मान लो मैं मजदूर हूँ या छोटा किसान हूँ, मैं ठेके पर खेती लेता हूँ, मेरे को 30,000 रुपये या 40,000 रुपये ठेका जो देना पड़ा किसान को, मतलब जमीन मालिक को, तो खर्चा हो गया, तो वो आमदनी में जो उसमें खर्चे में जुड़ना चाहिए। मान लो 50,000-40,000 का 1-2 एकड़ जो भी किसान ठेके पे लेता है, वो खर्च हो गया, खर्चा में जुड़ना चाहिए, उसके बाद 1.5 गुना
तब जाके मतलब है नहीं। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमारी मुख्य मांग है, इसके साथ एमएसपी में तो मतलब है नहीं। जो साथी दूसरे ने बताए, मैं कहना चाहता हूँ हमारी कदे भी, चाहे जौ की, हरियाणा की बात करूँ, जौ की फसल है कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रेट से नहीं मिली, नीचे मिली है। और इसी तरह से बाजरे की बात ले लो, चाहे चने की बात लो, कोई भी फसल है नहीं वो एमएसपी कभी एमएसपी पे नहीं मिली। 29 फसलें हैं, एमएसपी नहीं मिलता। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप यहाँ पे, आप स्वामीनाथन कमेटी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने डिमांड चार्टर देखा यहाँ पे, उसके हिसाब से भी तीन आपके ये कि जो कृषि कानून है वो वापस हो, एक जो बिजली का ऑर्डिनेंस आया था 2020 बिजली बिल, हाँ, तो वो वापस हो। तो हरियाणा के किसानों की वही मांग है, आप भी उसी के साथ आए हैं, अगर वो हो जाता है तो आप ये धरना मतलब खत्म कर, प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे इसके साथ में। और बात ये भी है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करवा के ही जाएंगे, यही से मांग है स्वामीनाथन योग की रिपोर्टर। ये भी है जो मतलब संयुक्त सेमन्य समिति बनी है, जो मतलब जितने भी किसान संगठन है उसमें मजदूर संगठन भी है, तो इनमें मतलब मुख्य मांगों में ये भी है। बाकी एमएसपी तो मतलब है नहीं, आप जो देख लो पंजाब और हरियाणा में ही थोड़ी बहुत एमएसपी है, बिहार में यूपी में नहीं है, वहाँ मतलब है नहीं फसलें पिट रही है, तो थोड़ा बहुत अभी उसका असर है, इतना नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ये मोदी सरकार है या जितनी भी सरकारें आई है, आज चने का भाव 30-35-40 रुपये, और दाल क्या है, दाल का क्या रेट है, 100-125 रुपये। इसी तरह मूँग सस्ता और दाल महंगी, ये कपड़ा नरमा सस्ती और कपड़ा महंगा, भिनोड़ा महंगा और खड़ महंगी, मतलब किसान को भी लूटा जा रहा है और जो खरीद के खाने वाला है उसको भी लूटा जा रहा है। इस करके जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में जो फैसले लिए जा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, तो ये अडवाणी और क्या नाम है मुकेश अंबानी और बड़े बड़े कॉरपोरेट कराने को, देश की जनता अब इसको सहन नहीं करेगी, और निश्चित तौर पर इस सरकार को घुटनों के बल चलना पड़ेगा और किसानों की मांगें माननी पड़ेगी।